2 Timothy chapter 4, verses 16 and 17 says, At my first defense, no one came to my support, but everyone deserted me. May it not be held against them. But the Lord stood at my side and gave me strength so that through me the message might be fully proclaimed and all the Gentiles might hear it. And I was delivered from the lion's mouth. May the Lord bless what we have read from His holy word. Amen. Now today's preaching is about calling. और आज की जो मेरी प्रीचिंग है वो बुलाहट के बारे में है. Now calling could be a phone call on your phone. और जिस तरह से बुलाहट जो है उसे हम कह सकते हैं कि आपको कोई फोन किसी ने करा है, आपको कोई कॉलिंग हुई है. There are different times where the phone can be ringing. और फरक फरक वजह हो सकती है जिसके लिए आपका फोन जो है वो बजता है. But you can't hear it. कई बार आप उसे सुनते नहीं हैं. And if you can't hear it, और अगर आप सुन नहीं सकते हैं, can't pick it up. तो फिर आप उसे उठा नहीं सकते हैं. And I believe there are a lot of Christians that the phone has rung. और मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे मसीही हैं जिनका फोन तो बचा है. With God on the other end. और परमेश्वर जो कि दूसरी जगह खड़ा है. To give you a call about what He wants to do in your life. और जो कि आपको कॉल करता है और आपको बताना चाहता है कि वो आपके जीवन में आपसे क्या चाहता है. Isn't that interesting? और क्या इस बात को सुनकर आप सोचते नहीं कि कितनी अजीब बात है? That we're going to be studying how God is ringing on the other end to us. और हम आज जानेंगे और पढ़ेंगे कि किस तरह से परमेश्वर जो कि दूसरी जगह खड़ा है और वो हमें कॉल करता है और हमसे बात करना चाहता है. And I just want to go back into my life and I just want to tell you how the phone was ringing and I wasn't listening. और मैं अपने जीवन का उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी ऐसा समय था जब वो फोन तो बज रहा था लेकिन मैं उसे उठा नहीं पा रहा था. When I was growing up, और जब मैं बड़ा हो रहा था, I must admit it was very hard. और मैं इस बात को पूरी तरह से मानना चाहता हूँ कि बहुत ही मुश्किल समय था. My father had died at a very young age. और मेरे पिता जो है उनकी मौत हो गई थी जब वो बहुत ही जवान थे. He was only 42. और वो सिर्फ 42 years के थे. And I was the youngest of the sibling. और मेरे सारे बहन भाइयों में से मैं सबसे छोटा था. And my mother being a widow. और मेरी माँ जो कि एक विधवा थी. Just arrived from India to a foreign country. और वो इंडिया से एक फॉरेन प्रदेश में आ गई है. Without any education. और वो कोई पढ़ी लिखी औरत नहीं थी. Found it very hard to support her 3 young children that she had brought along into the UK. और परदेश में वो अपने साथ 3 बच्चे लेकर आई थी जिसकी परवरिश करनी उसके लिए उस समय बहुत मुश्किल थी. Now you got to understand the trauma of losing a husband. और आपको इस दुख को समझना होगा जो कि एक औरत के लिए है जिसने अपने पति को खो दिया है. Adjusting to the foreign shores. और वो एक ऐसे देश में आई है जो कि इसके लिए बिल्कुल ही फर्क है जो कि परदेश है. Uneducated. और जो कि पढ़ी लिखी नहीं है. A woman. और एक औरत है. Nothing was on her side. और कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि उसके साथ था, उसके लिए था. The cold weather of Scotland, Glasgow. और जो मौसम था उस वक्त, जो ठंड थी स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में, वो बहुत ज्यादा थी. In 1960. और मैं 1960 की बात कर रहा हूँ. The damp in our house. और जिस घर में हम रहते थे वहाँ इतनी सीलन थी. It had 12 bedrooms. और वहाँ पर 12 bedrooms थे. We only used one. और हम तो सिर्फ एक ही बेडरूम में रहते थे. And this brought my mother to her knees. और ये हालात जो है ये मेरी माँ को उसके घुटनों के बल ले आए. She was diagnosed with severe asthma. और उस वक्त जो है मेरी माँ को कहा गया था कि इनको बहुत ही सीवियर जो है अस्थमा की प्रॉब्लम है. Cut a long story short, the 3 boys of the Chiranji household had to grow up very quickly. और इस कहानी को जो है छोटा करकर आपको समझाना चाहता हूँ कि जो 3 लड़के चिरंजी घर के थे उन्हें बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ा. Thank God my dad was a businessman and he left us quite a lot of money. और मेरे पिताजी जो है वो एक बिजनेसमैन थे और इसीलिए वो काफी पैसा हमारे लिए पीछे छोड़ गए थे. Which made us survive. और जिस पैसे के द्वारा जो है हम जो है अपने जीवन को यहाँ पर चला सके. You must admit a 12 bedroom house is a big house. और आपको इस बात को मानना होगा कि एक 12 बेडरूम का घर जो है वो काफी बड़ा घर है. People looking after who were Gore Englishmen looking after us for the first 6 months. और जो पहले 6 महीने थे वहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, वो हमारी देखभाल कर रहे थे क्योंकि मेरे पिताजी उनको कह के गए थे. But it was a very hard time. लेकिन एक बहुत ही मुश्किल दौर था जिससे हम गुजरे. Years later, my eldest brother, the father figure of our family, got married and moved here into Birmingham.
और फिर कुछ साल बाद जो मेरा सबसे बड़ा भाई था जो कि हमारे लिए एक पिता की रूप में था, उसने अपनी शादी करी और वो यहाँ पर बर्मिंघम में आ गया. And then suddenly all the children came in their family. और फिर धीरे धीरे कर उनका परिवार बढ़ता गया. Happiness came into our family. और हमारे परिवार में खुशियाँ आने लगी. And then they moved out. और फिर वो उस घर को छोड़कर एक दूसरे घर चले गए. Leaving us three. और हम तीन पीछे बच गए. My mom, मेरी माँ, me, मैं, and my brother. और मेरा एक और भाई. My brother was studying at university. और मेरा भाई जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था. And I was preparing for my GCSEs. और उस समय में मैं अपने GCSE की तैयारी कर रहा था. However, without a breadwinner, you gotta admit you can't run a house. और जब एक ऐसा व्यक्ति ना हो जो कि घर को चलाने वाला हो, जो कि घर में रोटी लाने वाला हो, तो घर में रहना बहुत मुश्किल होता है. At the age of 16, और 16 साल की उम्र में I personally had to give up my education, और मुझे अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा. Find a job, और मुझे एक जॉब ढूंढनी पड़ी. To support my mother, ताकि मैं अपनी माँ की जो है उसका हाथ बटा सकूं. And my brother, और अपने भाई की जो है उसकी भी मैं मदद कर सकूं. Fulfill his education, ताकि उसकी पढ़ाई में मैं मदद कर सकूं. And it was a choice that I made willingly. और ये एक ऐसी चॉइस थी जो कि मैंने खुद अपने आप बनाई थी कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ. With full commitment. और मैंने पूरा का पूरा अपना कमिटमेंट इस काम को दे दिया. I won't bore you with the rest of my story. और मैं आपको बोर नहीं करना चाहता अपनी पूरी कहानी बताकर. But it's a precious part of me, my life, for me and my family. और ये एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है मेरे परिवार का और मेरे जीवन का जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ. I wonder where God was. और मैं उस वक्त सोचता हूँ कि परमेश्वर कहाँ था. Where was God in all this? और परमेश्वर मेरे दुख की घड़ी में कहाँ था? We'll learn more about that as I unfold the scriptures today. और हम इसके बारे में और ज्यादा सीखेंगे जब मैं आज आपके सामने वचन पढ़ूंगा. We all Christians are searching for God's will over our lives. और हम जितने भी मसीही लोग हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर की मर्जी हम सबके जीवनों में पूरी हो. We believe that God should have something to say about our future. और हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे भविष्य के बारे में क्या कहता है, क्या सोच रहा है. We think the choice of a job is not fully up to us. और हम सोचते हैं कि जो काम हमारा है, जो काम हम करते हैं, वो पूरी तरह से हमारी खुद की चॉइस नहीं है. But what if God never tells us what he wants us to do in life? और सोचिएगा कि अगर परमेश्वर आपको कभी यही ना बताए कि आपको आपके जीवन में क्या करना है, तो आप क्या करेंगे? It's the case in my life. और मेरे जीवन में मुझे ऐसा लग रहा था कि हो रहा है. I felt all alone. और मुझे लगा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ. With the burden of all the pressures of this world. और जो पूरे इस दुनिया के प्रेशर्स हैं या बहुत बोझ है, उनको मैं अपने ऊपर उठा के चल रहा था. At the age of 16. और 16 साल की उम्र में मैं था. I was young. मैं जवान था उस वक्त. I had to support. और मुझे अपने परिवार की देखरेख करनी थी. No father figure. और हमारे परिवार में कोई भी पिता का फिगर नहीं था. It was a testing time. और मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल समय था. And on the other side, I got so busy in the rat race, I was preoccupied with the pleasures of this world that money could buy. और फिर दूसरी जगह जो है मेरे जीवन में एक और दौर चल रहा था जब मैं पैसा कमाने के लिए और पैसे के साथ जो चीजें हमें दुनिया में मिल सकती है उनके पीछे भागने लग गया. I had a taste of what money could do. और मुझे एक ऐसा मौका मिला मेरे जीवन में कि मैं ये पहचान सकता कि पैसे के साथ दुनिया कैसे बदल सकती है. I was oblivious to the Lord's call. और मैं मेरे दिमाग में कोई सोच ही नहीं थी कि परमेश्वर कभी बुला सकता है, उसकी बुलाहट हमारे जीवन में आ सकती है. Because the world's noise was so attractive. क्योंकि जो दुनिया की आवाजें थी वो बहुत ही लुभावनी लगती थी. So alluring. और बहुत ही अच्छी लगती थी. So sweet. और बहुत ही मीठी लगती थी. So inviting. और बहुत ही ज्यादा ऐसे लगता था कि मुझे बुला रही है. It's only by his grace that I've reached this part of my life. और खुदावन के अनुग्रह के द्वारा मैं अपने जीवन में आज इस हिस्से में खड़ा हूँ. I now realize that even though I didn't have a relationship with the Lord at that time, और मैं सोचता हूँ कि उस समय में जब मेरा परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता भी नहीं था, I didn't know him, मैं उसे जानता नहीं था, and yet he was working in the background, लेकिन वो मेरे जीवन में जो है बैकग्राउंड में काम कर रहा था. In my experience, God's grace is always present. और मुझे ये पता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा मेरे साथ रहा है. But we have to join in. लेकिन हमें उस अनुग्रह के साथ जुड़ना होगा. In order to have the ability to identify it. ताकि हमें वो काबिलियत मिल सके जिसके साथ हम पहचान सके. You know, we humans can easily explain away the divine encounter in our lives.
और हम इंसान होने के नाते वो एक अलौकिक जो एक मौका हमारे जीवन में हमें मिलता है, एक एनकाउंटर हमें मिलता है, हम उसे इजीली पहचान लेते हैं. Was it a God given protection? Was it God given? Or was it smart thinking that I was kept safe? और आप अपने आप से कई बार सवाल करते हैं कि क्या वाकई में वो परमेश्वर का हाथ था जिसने मुझे उस तरह से सुरक्षित किया, मुझे बचा लिया, या फिर ये मेरी खुद की गहरी सोच है या स्मार्ट सोच है जिससे मैं बच गया. Until I was committed, there was a hesitancy. और जब तक मैं पूरी तरह से इस बात के साथ अपने आप को कमिट नहीं कर पाया, मैं हमेशा हिचकिचाता रहा. A chance to draw back. और मुझे एक मौका मिलता रहा कि मैं अपने जीवन में पीछे हटता जाऊं. But the moment I definitely committed myself, you know what happened? God moved. Also, a lot of events started happening around my life. और जिस वक्त मैंने अपने जीवन में ये कमिटमेंट देना शुरू करा तो मेरे जीवन में इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीजें होने लगी जो कि बहुत सी चीजें हटने लगी, बहुत सी चीजें होने लगी. Now in your own way, you may be able to identify a similar kind of a situation where you have been, your life story. और आप अपने खुद के जीवन की कहानी को अगर आप देखें तो आप भी उसके साथ अपनी कहानी को मिला सकते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसा मौका आया होगा. But when I committed, all manner of unforeseen incidents and meetings and people just happened. और जब मैंने अपने जीवन में पूरी तरह से कमिटमेंट दिया तो फिर बहुत सी ऐसी मीटिंग्स हुई, बहुत सी ऐसे वाकयात हुए, बहुत से ऐसे लोग आए जो कि खुद ब खुद मेरे साथ जुड़ते गए. I'm so glad that I committed myself. और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने पूरी तरह से अपने आप को कमिट कर दिया था. So commit yourselves, guys. और इसीलिए अपने आप को खुदा में कमिट कर दीजिए. When others refused to go with you, in my case it was, there was nobody with me, it was just me. और जब दूसरे आपके साथ जाने के लिए इनकार करते हो और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं अकेला था. It means going on your own. और इसका मतलब है कि आपको उस रास्ते पर खुद ब खुद अकेले परमेश्वर के साथ चलना होगा. मेरे बहन मेरे भाई पकड़ने आए हैं और कल्याण ने जाना, ठीक. और जिहड़ी आह जिंदगी अपन नूं मिली हैगी अपां इहदे विच अपाइयां. That's right. You have to make that commitment. You have to make that relationship with the Almighty. Amen? Amen. Okay, we're going to look at others who committed, like Daniel. You know, he went on his own. He dined and prayed alone. और आप जानते हैं डैनियल की कहानी को कि हम जानते हैं कि वो मरने के लिए भी तैयार था और वो फिर भी अकेला रहा. Elijah sacrificed and witnessed alone. और इलाइजा जो है वो भी अकेला रहा और उसने भी अकेले ही अपने काम को पूरा करा. Jeremiah prophesied and wept alone. और यर्मिया जो है उसने भी भविष्यवाणियां दी और वो रोया और अकेला था. Did you get that, my brothers and sisters? It's all at the point of commitment. और मेरे भाइयों और बहनों, आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि जब आप पूरी तरह से अपने आप को कमिट करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या होता है. Before God intervenes on our behalf. और इससे पहले कि परमेश्वर आपके लिए खड़ा होता है, आपको अकेले रहना पड़ता है, उस रास्ते पर खुद चलना पड़ता है. When the three Hebrews children made a commitment not to bow to the king's idols. और वो जब तीन इब्रानी लड़कों ने ये फैसला किया था कि वो खड़े रहेंगे और वो अपने आप को अड़े रहेंगे वहां पर. God's brought them out of the fiery furnace. और हम देखते हैं कि उनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर जो है उन्हें उस आग की भट्टी से भी निकाल कर ले आए. Without even the smell of smoke on their clothes. और वो इस तरह से बाहर उससे सुरक्षित आए कि उनके कपड़ों से जो है वो बिल्कुल भी आग की बदबू तक नहीं आ रही थी. King Nebuchadnezzar was so impressed that he said, "There is no other God who is able to deliver in this way." Daniel 3:29. और अगर आप डैनियल की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 29 आयत को देखते हैं तो यहाँ पर राजा नेबुकदनेस्सर जो था वो भी उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ और उसने कहा कि इनके जैसा खुदा तो कोई भी नहीं है. Let's take a quick look at Noah. और अगर हम नूह की कहानी को देखें, Abraham की कहानी, and Jonah, और जोना की कहानी, and see what can we learn from their exclusive callings. और अगर हम देखें कि परमेश्वर की बुलाहट जो इनके जीवनों में थी और उस बुलाहट से हम क्या सीख सकते हैं. Noah was called to build an ark and rescue the world. और नूह की बुलाहट ये थी कि परमेश्वर ने कहा था कि उसे एक बहुत बड़ी नाव बनानी है, कश्ती बनानी है और वो दुनिया को बचाएगा. Wow, can you imagine saving the world? Talk about a big deal. That was a big deal. और ये एक बहुत बड़ा काम
काम परमेश्वर ने इसे सौंपा था कि उसको दुनिया को बचाना था. Yet if we examine Noah's story closely, we discover something interesting, very interesting. और अगर हम नूह की कहानी को अच्छे से पढ़ें तो यहाँ पर हमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात मिलती है. The whole ark thing was actually a very small part of Noah's story. और ये जो एक कश्ती परमेश्वर ने इनको कही थी बनाने के लिए, ये इस कहानी का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है. According to the Bible, Noah was around 500 years old. और हम देखते हैं बाइबल के मुताबिक जो नूह जो है वो 500 साल का था. When God told him to build the ark. और जब परमेश्वर ने उसे कहा था कि उसे ये नाव बनानी है. The Bible also tells us that Noah did for the 500 years. What Noah did for the 500 years leading up to his exclusive calling. और 500 साल पहले परमेश्वर ने किस तरह से जो है उसे तैयार करा इस बुलाहट को पूरा करने के लिए. It says in Genesis chapter 6 verse 9 that Noah was a righteous man who walked with God. और हम देखते हैं कि नूह जो है वो एक बहुत ही धर्मी व्यक्ति था जो कि परमेश्वर के साथ चलता था. So he was walking with God. इसीलिए हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में था. The whole ark thing was like a sixth of Noah's life. और हम देखते हैं कि ये जो जहाज बनाना था ये नूह के जीवन का एक बहुत ही छोटा हिस्सा था. It lasted for a few years. और ये कुछ सालों तक चला. But the biggest story was Noah was a righteous man. और सबसे बड़ी कहानी का हिस्सा तो ये है कि नूह जो है वो एक धर्मी व्यक्ति था. And he walked with God. और वो परमेश्वर के साथ चलता रहा. I wonder if that's supposed to be the big story of our lives too. Are we walking with God? और मैं सोचता हूँ कि हमारी कहानी का क्या बड़ा हिस्सा ये है कि क्या हम भी परमेश्वर के साथ इस रिश्ते में बने हुए हैं, क्या हमारी भी चाल उसके साथ सही है. Look at Abraham. और अब्राहम की कहानी को देखिए. Was Abraham to call to a definite job? क्या अब्राहम को एक पक्का काम दिया गया था? No, he wasn't. नहीं, ऐसा नहीं हुआ था. He was called to move to a certain land. और उसे कहा था कि तुझे एक दूसरे देश में जाना है. God did not call Abraham to a detailed job. और अब्राहम को कोई बहुत ही बारीकी से बनाई हुई जॉब हाथ में नहीं थमा दी गई. God called Abraham to move to a precise place. और अब्राहम को परमेश्वर ने खास जगह दी थी और उसे कहा था कि तूने यहाँ जाना है, ये तेरा देश होगा. And to honor God with the way he lived his life. और किस तरह से उसने अपने जीवन को जीना है. What about Jonah? और जोना की कहानी को देखिए. If you want to be exclusively called by God, you should go back and read the story of Jonah. और अगर आप वाकई में चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बहुत ही गहराई के साथ इस्तेमाल करे तो आप जाकर जोना की कहानी को देखिए. Jonah wanted nothing to do with what God called him to do. और जोना जो है वो एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर उसके जीवन से चाहता था और वो बिल्कुल भी वो नहीं चाहता था. What did he do? उसने क्या किया? Instead of joining in, he got on a boat and he sailed away from his calling. और जो परमेश्वर ने उसे कहा था काम करने के लिए, उसने एक दूसरी कश्ती पर सवार हुआ और जिस दिशा में प्रभु ने कहा था वो एक फरक दिशा की तरफ चला गया. He ran away from God. और वो परमेश्वर से भागने लग गया. He ran away from his calling. और वो अपनी कॉलिंग, अपनी बुलाहट से भाग गया. But God forced Jonah to obey. लेकिन परमेश्वर ने जो है उसे फोर्स किया कि उसे मानना पड़ेगा जो वो कह रहा है. And after Nineveh repents, Jonah's precise calling is completed. और जब निनवे देश जो है वो पश्चाताप कर लेते हैं तो जोना की जो बुलाहट है वो पूरी हो जाती है. God may call you to do something, you know, something special. और परमेश्वर से आपके जीवन के लिए भी एक बुलाहट हो सकती है जो बहुत ही खास हो सकती है. And if he does, और अगर ऐसा होता है, you better do it. तो फिर आपको वो पूरा करना होगा. Otherwise you'll be swallowed up by a fish. No, I'm only joking. नहीं तो फिर जोना की तरह आपको भी कहीं मछली ना खा जाए. It might sound extreme, but it'll make us do things. और आपको लग सकता है कि ये अजीब बात है, लेकिन परमेश्वर के काम करवाने के तरीके कई बार बहुत अजीब हैं. But I don't think you and I should be focused on pursuing a detailed, a definite description of the job God wants you to do. और कई बार हमें जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने क्या बुलाहट हमारे लिए या क्या जॉब हमारे लिए तैयार करी है, उसकी बारीकियों को समझने की जरूरत नहीं है. Instead, you and I should be like Daniel, Elijah. और हमें डैनियल और एलाइजा की तरह बनना है. Jeremiah. और यर्मिया की तरह बनना है. Noah. और नूह की तरह. Abraham. अब्राहम की तरह and बनना Paul. है. और पॉल की तरह बनना Focused है. Focused on walking with God. और हमारा फोकस
जीसस जो है वो परमेश्वर के साथ एक धार्मिक चाल वाला होना चाहिए, एक धार्मिकता का जीवन होना चाहिए. And if we do that, और अगर हम ऐसा करते हैं, if we focus on walking with God, और अगर हमारा ध्यान इस बात पर रहेगा कि हमारी चाल जो है वो परमेश्वर के साथ सिद्ध रहे, instead of discovering a precise calling for our lives, और फिर हम ये ना सोचते रहे कि परमेश्वर की जो बुलाहट है वो कैसी है और उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करें, we may get to a point where God sees our obedience. और कई बार जो है परमेश्वर सिर्फ आपकी वफादारी को ही इज्जत दे देता है. And he may well ask us to do something very, very precise. और जब आप परमेश्वर के प्रति वफादार रहते हैं, जो भी कोई वो छोटा मोटा काम आपको देता है, तो परमेश्वर फिर आपको ऐसी बारीकियों वाली भी जॉब देगा जिससे आप जो आप चाहते हैं. The world tells us life is fast. और दुनिया हमें बताती है कि जिंदगी जो है वो बहुत ही फास्ट है. Life is fleeting. और जिंदगी जो है वो बहुत मजेदार है. Life happens all of a sudden. और जिंदगी जो है वो एकदम से आती है. And in the madness, there are a lot of things we end up not doing. और ये जिंदगी इतनी बेशकीमती है कि हम इसका मजा लें और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि हम नहीं कर पाते, जो हमें करनी चाहिए. And what is life well lived if you haven't tried all the things we should? और लोग हमें कहते हैं कि जिंदगी इतनी हैपनिंग है, इतनी अच्छी है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि अगर हमने नहीं करी तो हमें करनी चाहिए. What's the point if the journey ends without many lasting experiences and photographs and memories and videos of your life? और लोग कहते हैं कि ये जिंदगी इतनी मजेदार है इसीलिए आपको इसका अनुभव लेना चाहिए और आपको बहुत सी वीडियोस, बहुत सी फोटोग्राफ्स और बहुत सी ऐसी चीजें करनी चाहिए जो कि आपने नहीं करी हैं. The world tells us live alone. और दुनिया कहती है कि अकेले रहो. Just like heaven in Home Alone. और जिस तरह से हम देखते हैं केविन की कहानी जो कि फिल्म होम अलोन में है. Go for an adventure. और वो कहते हैं कि आप एक फर्क एडवेंचर करें. Spend a month in the wilderness in the middle of Alaska. और वो कहते हैं कि आप एक ऐसी जगह पे, सुनसान जगह पे जाइए जिस तरह से अलास्का है और वहां पर जाकर अकेले रहें और एडवेंचर करें. Leave your phone at home and go to Alaska. वो कहते हैं अपना फोन छोड़कर अलास्का चले जाओ. Keep a dog. और एक कुत्ता रख लो. Experience nature. और आप जाकर जो है ये नेचर जो है इसे अनुभव करो. Stay awake at night looking at the stars. और वो कहते हैं रात को आप जागते रहें और तारों को देखें. Get on stage to perform. और आप स्टेज पे चढ़कर परफॉर्म करें. Learn to play an instrument. और आप एक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें. Learn and make lots of money to buy the most expensive things. और आप जो है बहुत काम करें और दुनिया की बेशकीमती चीजों को खरीदें. Some are even saying, oh, I don't know what it's like being drunk. Let's get drunk. और कई कहते हैं कि हमें नहीं पता कि शराबी होने में क्या मजा है, इसीलिए शराब पी कर देखते हैं. Some are even so stupid they want to go to jail to experience what it's like to be in jail. और कई लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो कहते हैं कि जेल में जाने का क्या मजा है, ये भी हम अपने जीवन में एक बार कर देखना चाहते हैं. Attend all the concerts that you want to. और जितने भी बड़े बड़े कॉन्सर्ट है उन्हें अटेंड करें. And the melas. और फिर मेले को अटेंड करें. Learn a new language. और एक नई भाषा को सीखें. Try yoga. और आप योगा करना सीखें. I could carry on and on and on and on. और ये लिस्ट बहुत लंबी है और मैं बहुत सी बातें कह सकता हूँ. But a lot of things there I've mentioned for a short placed life. और ये बहुत सी चीजें जो हैं ये पल भर की हैं, कुछ देर की हैं. The world tells us to do these things before you die. और दुनिया कहती है कि इससे पहले कि हमारी मौत हो जाए, हम दुनिया को छोड़कर चले जाएं, हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए और दुनिया का मजा लेना चाहिए, लुफ्त लेना चाहिए. Don't get me wrong, this, you know, there's nothing wrong in doing some, underline the word some. Some of the things that I've mentioned. और जो बातें मैंने कही हैं, इनमें से कुछ चीजें जो हैं, उनको करने में कोई बुराई नहीं है, आप उन्हें कर सकते हैं. But here's a sobering question. लेकिन आपके लिए एक सवाल यहाँ पर है. What do you really believe God has called you to do with your life? आपके जीवन में खुदावन ने आपको किस चीज के लिए बुलाया है? आपके जीवन की बुलाहट क्या है? Exactly. और वाकई में अगर आप सोचें क्या बुलाहट है आपके Precisely. जीवन की? और अगर आप बारीकी से देखें तो क्या वो चाहता है आपके जीवन के लिए? Why are you here? आप यहाँ पर क्यों हैं? Why were you born in the family that you've been born in? और आपका जन्म उस परिवार में क्यों हुआ है जिसमें आप जन्मे हैं? What's your life mission? आपके जीवन का मिशन क्या है? Is it just to go to work and feed the kids and go to work and just come back home? और क्या काम पर जाना और काम से घर आना, बच्चों को खाना खिलाना और बस यही आपके जीवन का मकसद है? It's good, that's good. ये बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा करते हैं. But is that your calling? पर क्या ये आपकी बुलाहट है? I want you to know God not only knows your telephone number.
और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर न केवल आपका टेलीफोन नंबर जानता है, योर इंश्योरेंस नंबर, आपका इंश्योरेंस नंबर जानता है, योर हाउस नंबर, आपके घर का नंबर, ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू, और वो तो आपके बारे में सब कुछ जानता है, ही क्रिएटेड यू, उसने तो आपको बनाया है, ही मेड योर डीएनए, उसने आपके डीएनए को बनाया है, एंड सो अ डायरेक्ट लाइन नॉट जस्ट यू नो टू योर हाउस बट ही हैज टू योर बॉडी, और उसकी एक डायरेक्ट लाइन जो है वो आपके ना केवल घर के लिए बल्कि आपके शरीर के द्वारा भी जाती है, to your eyes, आपकी आंखों के द्वारा, to your ears, आपके कानों के द्वारा, to your heart, आपके दिल के द्वारा, he has a direct line at this moment to you, और उसकी एक डायरेक्ट लाइन जो है वो आप तक अभी इसी वक्त जा रही है. Why? क्यों? Because you are fearfully and wonderfully made in the image of the Lord himself. क्योंकि आप अद्भुत रीति से जो है परमेश्वर के रूप में बनाए गए हैं. You know, you're not a production line. और आप कोई प्रोडक्शन लाइन नहीं है. There's no one like you. और आपके जैसा कोई भी नहीं है. There's no one, I said, like Mana, like you sister, like you brother. मैंने कहा कि आप में से जितने भी लोग बैठे हैं उनके जैसा कोई भी नहीं है. There's no one else like you in the whole of this world. और इस पूरी दुनिया में जो है आपके जैसा कोई भी नहीं है. He has a special purpose for you. और आपके जीवन का एक खास मकसद है. You were made for that. और आपको उसके लिए बनाया गया है. Can you risk a hallelujah to that? Hallelujah. And wake up. That's it. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆਇਆ. ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ. ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ. ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ. Come on. Be, you know, own up. ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ. ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ. We simply are not picking that call up. I believe there are a lot of Christians where the phone has rung. मैं मानता हूँ कि बहुत से मसीही ऐसे हैं जो कि फोन बज रहे हैं और परमेश्वर की आवाज उन तक पहुँच रही है. With God on the other end. और परमेश्वर जो कि दूसरी तरफ खड़ा है. And He's telling you what He wants to do in your life. और वो आपको बता रहा है कि आपके जीवन में वो क्या चाहता है. और जिस तरह से मैंने आपको मेरे जीवन के बारे में बताया. And I was just oblivious to the world. I couldn't hear the call. और मैं जो है इस दुनिया में इतना व्यस्त था और इस दुनिया के कामों में इतना फंसा हुआ था कि परमेश्वर की कॉल उठाने का वक्त नहीं था मेरे पास. I was distracted. और मैं दुनियावी कामों में फंसा हुआ था. And yet he was always in the background. और परमेश्वर तो हमेशा बैकग्राउंड में मेरे जीवन में काम कर रहा था. He was always protecting me. और वो हमेशा मेरी सुरक्षा कर रहा था. He was always opening the doors for me. और वो हमेशा मेरे लिए दरवाजों को खोल रहा था. Otherwise I wouldn't be here where I am. और आज मैं वहां ना होता जहां पर मैं हूं अगर परमेश्वर मेरे साथ ना होता. Sometimes we just can't hear it. और कई बार हम उस कॉल को नहीं सुन पाते. And you need to hear this sanctuary church. और सैंक्चुअरी चर्च कलीसिया आपको इस बात को सुनना होगा. In your life. आपके जीवन में. In your home. आपके घरों में. In your work. आपके कामों में. God is calling you. परमेश्वर आपको बुला रहा है. Hallelujah, बोल दो मेरे बहन मेरे प्रभु दा बंदा नूं बुलावट दे रहा हैगा यार. Here are a few pinpointing questions that I think we ought to ask. और कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि मैं सोचता हूँ कि हमें पूछना चाहिए. An answer before we go too far along this journey of life. और इससे पहले कि हम इस जीवन के सफर में आगे बढ़ते हैं हमें अपने आप से ये सवाल पूछने हैं. How many of you have ever considered going into full-time ministry? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी सोचा है कि आप पूरी फुल टाइम मिनिस्ट्री में जाना चाहते हैं? Maybe as a pastor, a teacher, missionary. या फिर एक पास्टर या एक टीचर या फिर एक मिशनरी के रूप में. Youth work, music leader, church cleaner, church gardener, and the list is long. और जितने भी ये बातें बोली गई हैं अगर इनमें से आपने किसी एक के बारे में भी कभी सोचा है. I could go further into this, but due to time restraints, I'm going to stop here. और टाइम के कारण मैं यहीं पर रुकना चाहूंगा और लिस्ट तो बहुत लंबी है इन कामों की. So, financially, there is no way to pull things off. This is what I used to think. I can't pull this off because I'm already in that position where I need to earn a living. और मैं सोचता हूँ कि जब मैं सोचता था इन सारी चीजों के बारे में तो मैं सोचता था कि पैसे भी कमाने हैं, पैसे कमाने भी जरूरी हैं और मुझे नहीं लगता कि ये काम जो कि चर्च के लिए है ये मैं कर सकता हूँ. Maybe you said, well, I don't know about a full-time ministry or even helping out. I haven't got enough training. और आप सोच सकते हैं कि फुल टाइम मिनिस्ट्री या फिर चर्च के किसी काम में मदद करना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मुझे तो ट्रेनिंग नहीं मिली है. It's not a good season in my life at this moment in time, so I'll just give it a miss.
और आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में अभी थोड़ा मुश्किल समय चल रहा है, अभी मेरा समय थोड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं ये काम करूं। And I'm asking those questions because I want you to think through the issues because God calls everyone. और मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचिएगा क्योंकि परमेश्वर तो है, वो हर एक इंसान को बुलाता है। He calls us for a reason. और जब वो हमें बुलाता है तो वो हमें किसी खास कारण के लिए बुलाता है। He knows your number. वो आपके नंबर को जानता है। He wants this call to impact your life. और वो जानता है कि ये कॉल जो है ये आपके जीवन को पूरी तरह से इंपैक्ट करे, उसे बदले। And those that are around you. और जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं। But what if we're foggy on how he calls us? और अगर हम इस बात को नहीं समझ पाते कि किस तरह से वो हमें बुलाता है, what call is this? और फिर वो हम सोचते हैं कि ये कॉल किस लिए है, we may stay too busy. और हम अपने आप को बहुत ही व्यस्त रखते हैं, we may not even hear it. और हम उसे सुन भी नहीं पाते हैं। Jesus is the perfect example for each and every one of us, my brothers and sisters. और मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए। This is going to shock you. ये बात आपको हैरान कर देगी। Was God more pleased with Jesus at the age of 28 when he was a carpenter? और मैं सोचता हूँ कि क्या खुदा बाप जो है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ इतना इंप्रेस था, इतना खुश था जब वो 28 साल की उम्र में था और एक मिस्त्री का काम करता था? Or was he more pleased with him as a preacher at 31? और या फिर वो उसके साथ बहुत इंप्रेस था जब वो 31 साल का था और वो प्रीचिंग कर रहा था? What do you think? आपको क्या लगता है कि कब वो उससे सबसे ज्यादा खुश था? We'll just leave that one there. और हम इसी विचार के साथ खत्म करना चाहेंगे। God has called you for a purpose. परमेश्वर ने आपको एक खास योजना के साथ बुलाया। And that is to make you like his son, Jesus Christ our Lord. और वो चाहता है कि आप भी उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह जैसे बन सके। God's number one. और परमेश्वर हमेशा नंबर वन रहेगा। And he's looking at you right now. और वो अभी इस वक्त आपकी तरफ देख रहा है। He's not looking at where you work. और वो नहीं देख रहा कि आप कहाँ काम करते हैं। What you do. आप क्या करते हैं? God's number one agenda is to call you first to himself. और परमेश्वर का सबसे बड़ा काम ये है कि वो सबसे पहले आपको बुलाए, अपने लिए बुलाए। And second to a purpose. और फिर आपको एक मकसद के लिए बुलाए। And his purpose is to conform you to the image of his son, Jesus Christ. और उसका मकसद ये है कि वो आपको अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह जैसा बनाए। He wants you to think like Jesus. अब वो चाहता है कि आप भी प्रभु यीशु मसीह जैसा ही सोचे। Brother Avtar, when you drive that bus, do you know that Jesus wants to be in your body and control you which way to go? आज इस तरह से हमारे भाई जब वो बस को चलाते हैं तो खुदावन यीशु मसीह उनके शरीर में और उनके द्वारा उस बस को चलाता है और उनको बताता है कि उन्होंने किस दिशा में जाना है। If you were a nurse, the Lord Jesus wants to be in your body. और अगर आप एक नर्स हैं तो खुदावन यीशु मसीह आपके शरीर में आपके साथ है। He wants you to prioritize your time. और वो चाहता है कि आप अपने समय को जो है प्रायोरिटाइज करें और देखें कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। And treat other people the way Jesus would treat. और आप दूसरे लोगों के साथ इस तरह का स्वभाव रखें जैसा खुदावंद आपके साथ रखे। If he was living inside your body. और अगर खुदावंद यीशु मसीह आपके भीतर आप में रहता है। The whole goal is that you literally, progressively, specially, supernaturally become more and more and more like Jesus. Hallelujah. और अगर वाकई में खुदावंद यीशु मसीह आपके अंदर है, आपके भीतर है, तो फिर अलौकिक तौर पर अद्भुत रीति के साथ आप भी खुदावंद यीशु मसीह जैसे ही बनेंगे। You are called for that purpose. आपको बुलाया गया है इसी मकसद के लिए। So if you're growing up today, और अगर आपको लग रहा है कि आप बढ़ रहे हैं आगे, you need to have Jesus in you. आपको अपने भीतर प्रभु यीशु मसीह को रखना है। That those children downstairs are looking at you guys and learning from you every time they see you. और वो बच्चे जो कि नीचे बैठे हैं, जब भी वो आपकी तरफ देखते हैं तो वो आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। They want to become more like you. और वो आपके जैसे बनना चाहते हैं। We need to set an example. और हमें अपने बच्चों के लिए अच्छे उदाहरण बनाने हैं। We need to be like Jesus. और हमें पहले प्रभु यीशु मसीह जैसे बनना है। If you're going to become a doctor, just like Christian Daniel Chiranji is going to become a doctor one day, we need to put that in him, that Jesus is going to be in him, working around him and working through him. Hallelujah. और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो डॉक्टर बने या फिर अच्छे अच्छे औहदों को रखने वाले बच्चे बने, तो हमें खुदावंद यीशु मसीह के उनके भीतर डालना है ताकि वो उनके द्वारा काम कर सके। Man is a beautiful girl.
और मैना बहुत खूबसूरत बच्ची है. She's been on a Christian youth camp. और ये एक अच्छे क्रिश्चियन यूथ कैंप में गई है. And I'm sure that Jesus was inside her and that she left an imprint, an example for others. और मुझे पूरा यकीन है कि जब ये बच्ची उस कैंप में गई तो प्रभु यीशु मसीह इसके भीतर था और जिन भी लोगों के साथ इसने मुलाकात करी वो वहां पर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण छोड़कर आई है. If you're a cook, और अगर आप एक कुक हैं, if you're a cleaner, या फिर आप सफाई करते हैं, if you're a security guard, या फिर आप सिक्योरिटी का काम करते हैं, whatever you are doing, और जो भी कोई काम आप करते हैं, if Jesus is in you, you are called for that. और अगर प्रभु यीशु मसीह आपके भीतर है तो वो आपके बुलाहट बन जाती है. In fact, it says here in the Bible in Romans chapter 8, he works all things together. The coincidence, the tragedies, the stock market, the pain, the job situation, the children, the singleness, the cancer, the unknown fear. He's in all that. He is at work. Hallelujah. और बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हर एक चीज हमारी भलाई के लिए उत्पन्न करता है, चाहे वो आपकी मुश्किलें हो, आपकी परेशानियां हो, आपके दुख हो, जो भी कोई जीवन के हालात हो, परमेश्वर उसमें भी आपके लिए भलाई ही उत्पन्न करेगा. Aren't you glad? क्या आप खुश नहीं हैं? That he's with you. कि परमेश्वर आपके साथ है. कोई दुख, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई सिचुएशन, नो सर्कमस्टेंसेस, जो कुछ भी हैगा यार, खुदावंद यीशु मसीह जे अपने नाल हैगा तो अपन जित पा लेने हैं. हालेलुया. Oh Lord, we thank you for this day. We really do. And God is filling us with grace. और परमेश्वर हर दिन अपने अनुग्रह के साथ हमें भर रहा है. Using the worst and the most difficult people that come across in your life. और परमेश्वर जो है वो बहुत ही मुश्किल लोग जो कि आपके जीवन में आते हैं उनके उनमें भी आपको काम करने की काबिलियत देता है. To fulfill that purpose. ताकि आप उस मकसद को पूरा करें. So my brothers and sisters. तो मेरे भाई और बहनों. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Step out in faith. और विश्वास में आप अपने कदमों को बाहर करें. And obey him. और वफादार बने. The proper function of my life is not to live, not exist. और आपके जीवन का मकसद ये नहीं कि आप बस ऐसे ही इस दुनिया में हैं. आपके जीवन का मकसद है कि आपने जीना है और भरपूर जीना है. So that we don't waste our days. ताकि हम अपने दिनों को बर्बाद ना करें. We don't waste our time. हम अपने समय को बर्बाद ना करें. I shall use every moment. और मैं हर पल को इस्तेमाल करूं. The moment you answer that call. और जिस वक्त आप उस घड़ी आप उस कॉल को उठा लेते हैं. The moment you pick that phone up. और जिस वक्त आप उस फोन को उठा लेते हैं, the moment that you commit and say yes to the Lord, और जिस वक्त आप अपने खुदावंद यीशु मसीह को हाँ कह देते हैं, God will move in you. परमेश्वर आपके भीतर आकर रहना शुरू करता है. You will do amazing things. और आप बड़े-बड़े काम करते हैं उसके नाम से. You will have joy in your heart. आपके जीवन में खुशी आ जाती है. Others will want to be what you are. और लोग आपके जैसा और जो कुछ आपके पास है उसे पाने की ख्वाहिश रखते हैं. God will move in. परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा. And change your life forever. और परमेश्वर आपके जीवन को हर पल के लिए बदल देगा, बिल्कुल बदल देगा. The phone is ringing. और वो फोन अभी भी बज रहा है. All right, don't forget to pick it up. और आप भूलिएगा नहीं उसे उठाना. The Lord bless you. खुदावंद आपको बहुत आशीष दे. Amen. Amen.